हेलो फ्रेंड्स, कविता स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे अस्तर वाला ब्लाउज कटिंग करना। तो ये देखिए, ये इसका अस्तर है और ये इसका मेन फैब्रिक है। तो ये देख लीजिए मेन फैब्रिक किस तरह से, ये है जो बाजू पर आएगा बॉर्डर, और ये बाकी का है सो आएगा आगे पीछे पल्ले में, और बाजू आएगा और बाजू के बॉर्डर पर ये वाला आएगा। तो हम मेन फैब्रिक को साइड करेंगे, अस्तर पर ही कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हम यहाँ से खोल देते हैं, उसके बाद हम पहले इसका मेजरमेंट जान लेते हैं। इसका सीना होगा 40 इंची और इसका ब्लाउज का लंबाई होगा 14 इंची। आगे का गला 6 इंची पर होगा, पीछे का गला होगा 10 इंची पर। तो इसको हम कैसे बनाते हैं वो आप लोग देखिए और सीखिए। यहाँ से इसको ऐसे रहने देंगे, पहले हम इसका लंबाई निकालेंगे ब्लाउज का। तो यहाँ से ऐसे करके लंबाई देखेंगे, तो देखिए 14 इंची हमको तैयार रखना है। तो ये इसका अभी आ रहा है 15 इंची, तो ये बिल्कुल ठीक है। आधा इंची ऊपर दबेगा, आधा इंची नीचे दबेगा, बाकी नीचे हम पट्टी लगाकर बड़ा कर देंगे जो नीचे वाला दबाने वाला होगा। अब यहाँ से इसका सीना 40 इंची है, तो 1/4 हम यहाँ पर लेंगे 10 इंची। 10 इंची यहाँ निशान लगाएंगे, 2 इंची हम सिलाई मार्जिन लेंगे, यहाँ पर निशान लगाएंगे। इसी निशान से यहाँ पर ऐसे उंगली रखेंगे और यहाँ पर इसको डबल कर देंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर हमारा हो गया है। अब यहाँ से हम इसका कपड़ा कटिंग कर देंगे, यहीं से हमारा आगे पीछे का पल्ला कटिंग होगा। इस तरह से अब यहाँ से हम इसको खोल देंगे। अब यहाँ से हम इसका तीरा लेंगे, यहाँ से ऐसे करके 5.25 इंची यहाँ पर निशान लगाएंगे। यहाँ से इसका आर्म होल लेंगे 5 इंची, यहाँ पर निशान लगाएंगे, इधर से भी लेंगे 5 इंची। इस निशान को यहाँ से ऐसे मिला देंगे, यहाँ से फिटिंग का निकाल लेते हैं 1/4 10 इंची, इधर भी 1/4 10 इंची। इसको हम यहाँ से ऐसे करके सीधा कर देंगे। यहाँ से आगे पीछे का पल्ला एक साथ ही बन रहा है, तो हम 1 इंची पर काखी का गुलाई देंगे ऐसे करके। अब यहाँ से ऐसे करके ऐसे ले जाएंगे और यहाँ से ऐसे ले जाएंगे, यहाँ से डाउन कर देंगे। अब यहाँ से गला बनाएंगे हम, यहाँ से 2 इंची पर 2 इंची यहाँ निशान लगाएंगे। दोनों पल्ला बराबर होना चाहिए, आगे का पल्ला जब भी हम लेंगे तो 1 इंची बड़ा रहेगा, पीछे का पल्ला 1 इंची छोटा रहेगा। अब यहाँ से हम लेंगे पीछे का गला बनाएंगे, यहाँ से ऐसे करके 10 इंची पर 10 इंची यहाँ निशान लगाएंगे। ऊपर 2 इंची लिए हैं, नीचे भी 2 इंची लेंगे और एक बॉक्स बना देंगे यहाँ से ऐसे, इसी के अंदर हमारा डिजाइन बनेगा। तो आप लोग देखिए और सीखिए कैसे बन रहा है यहाँ से ऐसे। अब यहाँ से हमारा आगे का गला बनेगा 6 इंची पर, 6 इंची से यहाँ निशान लगा देंगे। ये देख सकते हैं दोनों निशान लग चुका है। अब यहाँ से बनाएंगे 4 इंची, 4.5 इंची, 4.5 इंची से यहाँ से ऐसे लेंगे और यहाँ से हमारा गला बनेगा। यहाँ से ऐसे ले आएंगे, थोड़ा सा गोल ही लाएंगे यहाँ से ऐसे करके। अब इसके अंदर हमारा डिजाइन बनेगा, तो डिजाइन को हम यहाँ से ऐसे करके 3.5 इंची तक बढ़ा के लेंगे, फैलाव देके इसको। अब यहाँ से हम ये देख सकते हैं 1 इंची अंदर ले जाएंगे, यहाँ से ये हमारा बंद रहेगा और यहाँ से हमारा डिजाइन बनेगा। तो यहाँ से ऐसे ले आएंगे और यहाँ से ऐसे बढ़ाते हुए लाएंगे और यहाँ से ऐसे ले आएंगे। ये देख सकते हैं इतना ऐसे करके ऐसे, और यहाँ से ऐसे लाएंगे और यहाँ से ऐसे ले आएंगे। देख सकते हैं इस तरह से हमारा गला पीछे का बनेगा। अब यहाँ से रह गया टेकिंग का,
तो जितना भी हमारा सीना होगा उतना लेंगे, उसका एक चौथाई 10 इंची और 10 इंची का हाफ कर देंगे। तो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ निशान लगाएंगे। इसको हम यहाँ से ऐसे करके स्टेकिंग का उठाव 4 इंची पर देंगे, आधा इंची इधर दबाएंगे, आधा इंची इधर दबाएंगे। इस तरह से हमारा टेकिन बन के रेडी हो गया। तो ये देख सकते हैं पूरा निशान लग चुका है, बस इसी पर हमको कटिंग करना है। देख सकते हैं एक बार में ही अभी हम पीछे का गला कटिंग करेंगे, फिर बाद में हम आगे का गला कटिंग करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से इसको हम ऐसे गला कटिंग करेंगे ऐसे। अब यहाँ से हमारा बंद ही रहेगा और यहाँ से हमारा ये वाला गला स्टार्ट होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बीच का सेंटर है, यहाँ पर निशान उगा देंगे और यहाँ से इसको हम खोल देंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर हमने 6 इंची पर आगे से गला बनाया है, तो 6 इंची पर हम आगे का गला गोल ही बना रही हूँ। आपको जो भी डिजाइन भी बनाना होगा या पान गला बनाना होगा तो बना सकते हैं या चौकोर। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा आगे पीछे का पल्ला अलग हो गया। तो इसको हम यहाँ से ऐसे इसको यहाँ से ऐसे रहने देंगे और ये वाला पल्ला को लेंगे और आधा इंची हम कटिंग कर देंगे। ये पीछे का पल्ला में ही हाफ इंची कटिंग करना है क्योंकि पीछे के पल्ले में कम टेकिंग पड़ता है। तो इसके लिए यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से इसको हम यहाँ पर टेकिंग के लिए लगाए थे निशान, तो दोनों तरफ हम कटिंग का निशान लगा देंगे ताकि जब हम स्टिचिंग करें तो हमारा दोनों टेकिंग बराबर में आएगा। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हमारा पीछे का गला बन के रेडी होगा। अब यहाँ से हम लेते हैं आगे का पल्ला, ये देख सकते हैं ऐसा ही रहने देंगे। अब यहाँ से हम कैसे परफेक्ट तरीका से टेकिंग लगाते हैं, यहाँ से हम लेंगे 1/4 10 इंची, ये हमारा फिटिंग का हो गया, यहाँ निशान लगाएंगे। अब यहाँ से लेंगे हम 11 इंची, तीरा से नीचे लेना है 11 इंची, यहाँ निशान लगाएंगे। अब 2 इंची हम थोड़ा सा फीता को तिरछा करेंगे और यहाँ निशान लगाएंगे, इधर से भी 2 इंची थोड़ा सा तिरछा करके इस निशान को यहाँ पर मिला देंगे। अब रह गया यहाँ वाला, इस निशान से हम यहाँ पर लेंगे 3 इंची, यहाँ पर लेंगे और इसको हम यहाँ ले आएंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर लाने के बाद ये हो गया है, ये वाला टेकिन हमारा बनेगा 1.5 इंची पर। तो 1.5 इंची हम नाप लेंगे और उसको हाफ करके निशान लगा देंगे। ये देख सकते हैं ये 1.5 इंची पर होगा। यहाँ से ये वाला टेकिन आधा इंची पर बनेगा ऐसे करके, ऐसे करके। तो ये देखिए पूरा निशान लग चुका है और आधा इंची हमको बाजू से कटिंग करना होगा और भी फिटिंग पाने के लिए बढ़िया तरीका से इसको हम यहाँ से ऐसे कटिंग करेंगे, तभी हमारा झोल वगैरह नहीं होगा और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा कांखी होगा। कितना लोग को बाजू अटैच करने में या जोड़ने में दिक्कत होती है तो वो प्रॉब्लम आपको पास नहीं होगा। बाजू के सामने चुन्नट वगैरह आ जाता है तो ये इतना कटिंग करने से कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो आप जब भी कटिंग करें इतना कटिंग कर दें। अब यहाँ से इसको हम खोल देंगे और सेम इधर निशान उगाने के लिए इसको हम यहाँ से ऐसे कर देंगे ताकि हमारा दोनों टेकिंग बराबर मिले। ये देखिए यहाँ पर हल्का हल्का उग गया है, इसी पर हम डार्क कर देंगे। अब यहाँ से खोल देंगे, ये देख सकते हैं तो
देखिए आगे पीछे का पल्ला कटिंग हो गया है। अब हम बाजू कटिंग करेंगे, तो बाजू को हम इसी पल्ले से नाप के हम बाजू कटिंग करेंगे। तो ये देखिए आधा इंची हम ऊपर सिलाई में दबाएंगे, जोड़ने से दब जाएगा, उसको हम छोड़ते हुए यहाँ से हम इसका गोलाई नापेंगे। तो ये देखिए इसका गोलाई आ रहा है 8.5 इंची। 8.5 का डबल करेंगे तो हमारा 17 इंची बाजू का गोलाई होगा। तो ये देखिए इस तरह से हम ये कपड़ा ले लिए हैं। ये कपड़ा फोल्ड फोल्ड में हो चुका है। अब इसको हम फोल्ड करके ऐसे रख देंगे, बराबर कर देंगे। 1 इंची हम लेंगे नीचे सिलाई या तुरपाई के लिए, तो उसको हम निशान लगा के बराबर कर देंगे। अब यहाँ से हमारा आता है बाजू का लंबाई, तो मैं यहाँ पर लेंगे 5.5 इंची, ताकि 5 इंची पर ये ब्लाउज का बाजू तैयार होगा। इधर भी लेंगे 5.5 इंची, इस निशान को यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ से लेंगे हम 3.5 इंची, यहाँ पर निशान लगाएंगे और इसको हम यहीं से इसका शेप बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से ऐसे लाना है और ऐसे करके ये देख सकते हैं इस तरह से हो गया। अब यहाँ से हम इसका गोलाई नापेंगे। तो ये देखिए हमारा बाजू का गोलाई आ रहा है 9.25 इंची, तो ये बिल्कुल ठीक है। हमको चाहिए 8.5 इंची, तो 8.5 इंची हम यहाँ पर ऐसे निशान लगाएंगे और यहाँ पर आ गया बाजू का गोलाई। हम लेंगे यहाँ से 6 इंची, 6 का डबल करेंगे तो हमारा 12 इंची हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमारा कम कपड़ा में ही बाजू कटिंग हो गया है। तो ये देखिए इस तरह से बाजू कटिंग हो गया है। अब हम यहाँ से इसको खोल देंगे। खोलने के बाद ये हमारा बीच का सेंटर है। अब यहाँ से हम इसको ऐसे करके ऐसे निशान लगा देंगे, देख सकते हैं। अब यहाँ से हम 1/2 इंची कपड़ा करीब होगा तो हम इसको कटिंग करके निकाल देंगे। ये कटिंग वाला पार्ट हमारा आगे पल्ले में जुड़ेगा, ये देख सकते हैं इस तरह से। अब ये हो गया हमारा बीच का सेंटर, तो हम बीच का जब इस बाजू अटैच करें तो ये कट बीच तीरा पर आना चाहिए, तभी हमारा ब्लाउज का बाजू बिल्कुल परफेक्ट उतरेगा, बाजू भी उतरेगा या ब्लाउज भी बढ़िया उतरेगा। और ये कटिंग वाला पार्ट हम आगे पल्ले में ही जोड़ेंगे। तो इस तरह से हमारा ब्लाउज का कटिंग कंप्लीट हो गया। अगर आपको स्टिचिंग का देखना होगा तो दूसरी वीडियो में देखिए। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए। अगर पुराने से पहले से ही सब्सक्राइबर है तो उसके लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।